सर लैपटॉप ऑन कर लीजिए, वो कर दीजिएगा। तो जैसे कि हमने आपके सामने कल बताया था इफ का एंड का, ये हमने बताया कि अगर मान लीजिए नंबर्स हैं और मुझे 50 to 80 के बीच की जो वैल्यू है, 50 to 80 के बीच की जो वैल्यू है उसमें मुझे मान लीजिए 500 देना है, राइट। तो हमने आपको यहाँ बताया था कि हम यहाँ पे एंड का फॉर्मूला लगाते हैं कि दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 और फिर यहाँ हम करेंगे लेस देन इक्वल टू 80, ठीक है। ए टू इज ग्रेटर देन 50 और ए टू इज लेस देन इक्वल टू 80। ये तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, इस पे हम ट्रू फॉल्स आएगा तो इस पे हम इफ कंडीशन लगाते हैं, बट हम एंड यूज नहीं करना चाहते। एंड की एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन ये है कि वो कई सारे पे सिंगल रिजल्ट ही दे पाता है, मतलब कि यहाँ पे हम दो रिजल्ट ही दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मेरे पास रिजल्ट बढ़ गया कि लेस देन 50 होने पे मैं 100 देना चाहता हूँ, ग्रेटर देन 80 होने पे मैं यहाँ पे 200 देना चाहता हूँ, तो यहां पे एंड तो नहीं लगेगा। यहां पे हम यूज करेंगे इफ का, तो यहां लगाएंगे फॉर्मूला इफ, दैट इज सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 50, अगेन एक और इफ देंगे लेस देन इक्वल टू 80, और ऐसा है तो 500, और ऐसा नहीं है मतलब कि 200, और इसकी इफ को खत्म किया फिर आपको 100। मतलब देखिए जो एक इफ के अंदर आपने दूसरा इफ घुसाया, तो पहला इफ आपके सामने ये रहा कंडीशन और उसके ट्रू पार्ट में दूसरा इफ है और फॉल्स पार्ट में रिजल्ट है। मतलब कि ए इफ यहाँ पे आएगा चेक करेगा कि अगर ग्रेटर देन 50 है तो दूसरे इफ को फॉरवर्ड करेगा, अगर ग्रेटर देन 50 नहीं है तो सीधे वापस 100 को शो करेगा। दूसरा इफ आएगा चेक, दूसरा इफ कब चेक करेगा, जब पहला इफ फॉरवर्ड करेगा, मतलब पहला इफ ग्रेटर देन 50 है तभी दूसरा इफ चला। तो दूसरा इफ में हमने बोला 80 लेस देन इक्वल टू 80 देन 500 200। ये इफ के अंदर इफ तो फर्स्ट टाइम बता रहे हैं शायद इसके, हाँ तो फर्स्ट टाइम ही टॉपिक होती है ना कोई। अच्छा अच्छा, मैं प्रहार दूंगा दोबारा क्यों पढ़ाऊंगा चीजों, नेस्टेड इफ सी को कहते हैं ना, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, उसके अंदर तीसरा, उसके अंदर चौथा, उसके अंदर पांचवा। अच्छा नेस्टेड इफ सी कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग एलसीफ भी कहते हैं, अभी लेकिन एलसीफ पे पार्ट नहीं है, एलसीफ अलग होता है, कहते हैं ना ऐसे एलसीफ नाम का कोई फॉर्मूला होता है, ऐसे बोला जाता है। तो ए आपने चेक कर लिया, समझ में आ गया आपको। राकेश जी या राजेश जी, यहाँ पे समझना एक चीज की है कि हमने नेस्टेड इफ क्यों लगाया, समझ रहे हैं, नेस्टेड इफ लगाया क्यों, आपको कैसे रियलाइज होगा कि नेस्टेड इफ अप्लाई करना है। क्वेश्चन क्या है, क्या रिजल्ट क्या चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। हमने अभी बताया आपके सामने कि 50 टू 80 पे 500 हो, लेस देन 50 पे 100 हो, ग्रेटर देन 50 पे 200 हो। हाँ तो तीन कंडीशन बताया ना आपने। हाँ तो मैं वही, तो पहले कंडीशन मतलब जब आपके सामने ये, जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आएगा तो कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आएगा, इतना ही आएगा ना, तो आप कैसे इस करोगे कि इस पे हमें नेस्टेड इफ लगाना है, एंड नहीं लगाना है और नहीं लगाना है, हाउ कैन रिलाइज कि इस पे इफ लगेगा। एक्चुअली दो से ज्यादा कंडीशन होगी तो फिर इफ का ही यूज करेंगे, एंड यूज नहीं करेंगे। आप समझ आया राकेश जी मैं क्या पूछ रहा था, दो कंडीशन होगी तो एंड यूज करते हैं जो पिछले क्लास में देखा था, और में चाहिए चाहिए वाला ऑप्शन करते हैं, और दो से ज्यादा है तो नेस्टेड इफ यूज करेंगे। यहाँ पे एंड क्यों नहीं किया, यहाँ पे तो दो कंडीशन है, दो चार दो कंडीशन है, तो फिर हमने एंड यूज किया, हमने नेस्टेड इफ क्यों यूज किया, रिजल्ट नहीं देगा वो,
क्योंकि हमारा एंड क्या है कि कंडीशन कई सारे लेता है, पर रिजल्ट तो सिंगल देता है ना, हर कंडीशन के लिए अलग अलग रिजल्ट थोड़ी देता है, यहाँ पे हर कंडीशन के लिए अलग रिजल्ट है ना, इसलिए यहाँ पे हम एंड या और का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे नेस्टेड इफ का यूज करेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो दो से अगर ज्यादा रिजल्ट चाहिए अलग अलग तो नेस्टेड इफ का यूज करेंगे। जी जी, देखिए नेस्टेड इफ और एंड दोनों का यूज करने का एक कंडीशन होता है कि आपके पास कई सारे कंडीशन, अगर कई सारे कंडीशन है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि एंड यूज करें या नेस्टेड इफ लगे। फिर एंड इफ जो होता है वो उसमें होता है कि भाई कंडीशन कई सारे हैं ठीक है, पर रिजल्ट एक है तो ठीक है, पर कंडीशन कई सारे हैं, अलग अलग कंडीशन के अलग अलग रिजल्ट है। बात समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम वहां पे एंड यूज ना करके नेस्टेड इफ यूज करेंगे। अब जैसे कि एक एग्जांपल और बता रहा हूं जो कि मैंने कल बताया था, और यहां पे हमने मान लीजिए सब्जेक्ट ले लिया, हम फिलहाल जो है चार सब्जेक्ट रखते हैं। अब मैं यहां पे नंबर्स देता हूं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सारे सब्जेक्ट का जो मार्क्स है वो ग्रेटर देन 30 है तो पास होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज फेल होना चाहिए, जैसे कि हमने कल किया। तो इसके लिए तो हम सिंपल एंड इस्तेमाल कर लेंगे जो हमने कल किया था क्या? हाँ ठीक है, ग्रेटर देन 30 है तो पास। लेकिन मुझे यहां दिखाना है कि भाई फर्स्ट सब्जेक्ट में कब फेल हुआ है, कौन कौन सब्जेक्ट में फेल हुआ, माने कौन से सब्जेक्ट किसी एक में फेल हुआ है, मतलब पहला सब्जेक्ट कौन है जो फेल हुआ है। सारे सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा, बट मुझे दिखाना है कि कौन से सब्जेक्ट में फेल है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 20 सब्जेक्ट 3 में फेल है, तो मुझे यहाँ पे S3 फेल होना चाहिए, समझे? तो यहाँ पहले वाले में एंड में ग्रेटर देन 30 में तो ये फॉल्स होना चाहिए ना, ट्रू दिखा रहा है क्यों? D2 जब 25 है तो एक मिनट जाइए, B2 C2 D2 सॉरी मैंने यहाँ पे कॉमा, ठीक है तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मुझे हर सब्जेक्ट में दिखाना है, तो इसको नेस्टेड इफ से कैसे करेंगे? तो नेस्टेड इफ से मैं यहाँ पे देख लिया। अब मैं आपको रिकॉर्डिंग देखने के लिए क्यों बोल रहा था, यहाँ पे आपको रियलाइज होगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 30 अगेन इफ सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 अगेन इफ, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 अगेन इफ, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 यहाँ पे okay. पास, अदरवाइज सब्जेक्ट 4 फेल, फिर कॉमा सब्जेक्ट 3 फेल, कॉमा सब्जेक्ट 2 फेल, कॉमा। ये तो चार कंडीशन थे, इसलिए अगर मान लो किसी के 10-12 कंडीशन होंगे तो और ज्यादा लंबा होगा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। अब फंक्शन कैसे कर रहा है देखिए, इसे सबसे पहले हमने पहले इसको इसके पहले कंडीशन को चेक किया, देन इसने फॉरवर्ड किया दूसरे कंडीशन को, देन फॉरवर्ड किया तीसरे कंडीशन को, देन फॉरवर्ड किया चौथे कंडीशन को, मतलब कि चौथा कंडीशन में पहुंच गया, इसका मतलब है कि 3 कंडीशन सही है। तो चौथा अगर भी सही है तो पास देगा, अदरवाइज चौथा फेल होगा। तो हर इफ का एक ट्रू पार्ट, इस हम पहले इफ की बात करें तो इसके ट्रू पार्ट में ये आपको ये पूरा फॉर्मूला है, ठीक है, और फॉल्स है। तो अगर यहां पे अगर फॉल्स आया, B2 ग्रेटर देन 30 फॉल्स आया, तो सीधे दूसरे इफ को फॉरवर्ड ना करेगा, सीधे यहाँ पे S1 को शो कर देगा, ये बाकी सबको इग्नोर कर देगा। ऐसे अगर पहला नहीं है तो दूसरे पे जाएगा, तो दूसरे इफ के अंदर में ये जो आप देखते हैं
आपका ट्रू पार्ट में है, ये आपका फॉल्स पार्ट में। अगर ग्रेटर देन 30 हुआ तो एस टू फेल दिखा देगा, अदरवाइज सॉरी जिसे को फॉरवर्ड करेगा अदरवाइज फेल करेगा। सीक्वेंस वाइज चलेगा जब तक इसके सारे रिजल्ट चेक नहीं कर लेगा। जी हाँ जी हाँ, मतलब कि जैसे उसको फॉल्स मिलेगा ना वो अगले कंडीशन को चेक नहीं करेगा, सीधे और फॉल्स रिजल्ट दे के बाहर आ जाए, समझे? हेलो कैसे फॉल्स लिंक कर लिया, मतलब इस थ्री पे ही कैसे लिंक कर लिया? मान लीजिए F2 में क्या लिखा हुआ है सर? F2 में लिखा हुआ है ना, F2 हटाइए, फॉर्मूला हटाइए एक बार। सुनिए आप इस समझने की कोशिश कीजिए, इसमें B2 इक्वल टू 30 यहाँ पे पहले चेक करके शुरुआत से चलता है, शुरू से चलेगा। हाँ पहले से चेक किया B2 इक्वल टू 30, अगर इसको 30 ओके मिला देन वो दूसरे इफ को फॉरवर्ड करेगा, तो नहीं तो इसको शो करेगा, ठीक है? अब दूसरी अगर पहले इफ ने दूसरे को फॉरवर्ड कर दिया तो दूसरा इफ चलेगा, ये चेक करेगा, अगर ए फुलफिल है तो तीसरे को जाएगा, नहीं तो सीधे ए इस रिजल्ट को शो कर देगा। अगर तीसरे ने चौथे को दूसरे ने तीसरे को फॉरवर्ड किया तो क्या करेगा, अगर फुलफिल है तो ए आपका चौथे को फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो सीधे इसको दे देगा, और चौथे ने चेक किया अगर फुलफिल है तो पास देगा, नहीं तो फेल देगा। ओके तो जहां इसको सर हो सकता, मान लीजिए तीन सब्जेक्ट में फेल है, बस जो फर्स्ट को वो अटेम्प्ट करेगा वही फेल दिखा देगा, क्योंकि हमने एक ही कंडीशन दी है। जैसे अगर तीन सब्जेक्ट फेल है तो पहला जैसे ही फेल होगा तो वो आगे जाएगा ही नहीं जाएगा, वहीं पे फेल कर देगा उसको, आगे चेक ही नहीं करेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने मान लीजिए कि 5 दे दिया ना, 5 दिया जी, तो इसने चेक किया कि क्या B2 greater than 30 है, नहीं है, सीधे इसने S1 फेल दिखा दिया, ये पूरा स्टेप को स्किप कर दिया। अब यहाँ आके देखे फॉर्मूला के एवलेट फॉर्मूला, देखिए इसने चेक किया ना सर, फॉल्स निकला, अब सीधे रिजल्ट दे देगा आपको, दे दिया। अगर मान लीजिए इसमें मैं 50 करता हूं तब कैसे वर्क करेगा, देखिए इसने पहले को चेक किया ट्रू है, देन वो दूसरे को चेक कर रहा है ये भी ट्रू है, देन तीसरे को चेक कर रहा है फॉल्स है, तो ये देखिए चौथा इफ जो है इसको इसने नहीं चेक किया, तीसरा दिख रहा है आपको सर, ये तीसरे को रिजल्ट दे दिया, देखिए ठीक है। इसलिए मैं आपको बोला था कि आगे की चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, सो टेक अ टाइम फॉर प्रैक्टिस एंड वाचिंग द वीडियो। चलिए अब जबकि एक दो दो कंडीशन है, मैं चार ही स्टेप है, सिर्फ चार है हमारे, बट जब रियल टाइम में आप काम करेंगे तो ऐसे आपको 10-15 कंडीशन मिलेंगे, और फॉर्मूला इतना छोटा नहीं होगा, फॉर्मूला और ज्यादा बड़ा होते चला जाएगा, ठीक है? कंडीशंस बढ़ती चली जाएंगी, कंडीशन बढ़ती चली जाएगी और फॉर्मूले बढ़ते चले जाएंगे। अब इसी में अगला एग्जांपल अगर हम और की करें, जैसे मान लीजिए मेरे पास आईडी प्रूफ है, राइट, नेम और मैंने आईडी प्रूफ का एक चेकलिस्ट बनाया हुआ है, तो इसमें क्या है कि पैन नंबर है, डीएल है, वोटर आईडी है, पैन है, पैन तो है, यूआईडी एंड पासपोर्ट, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि मुझे यहाँ स्टेटस देना है, तो अब कस्टमर बोला जाता है कि आईडी प्रूफ जो है, अब कोई जो है मान लीजिए कि वाई यहाँ पे कर देते हैं, वाई पैन दिया हुआ है और यूआईडी दिया हुआ है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कोई पैन नंबर यूआईडी नंबर दोनों देगा, कोई यूआईडी दे सकता है या कोई पैन ही दे सकता है, तो यहाँ पे आया कि अगर किसी ने एक भी आईडी प्रूफ को जमा किया है, इसका मतलब है कि उसने आईडी प्रूफ को जमा कर दिया, स्टेटस में उसका ओके आना चाहिए या फिर नहीं तो पेंडिंग आना चाहिए, अगर नहीं है मत क्या सर।
तो यहाँ पे तो यहाँ पे और इस्तेमाल कर लेंगे हम, क्योंकि तो हमारे पास जस्ट एक सिंगल है कि पैन कार्ड सिंपल है हमारा ना सर, कि हमें पेंडिंग और स्टेटस शो करना है, ओके ओके शो करना है, लेकिन हमें यहाँ पे ये देना है कि इसमें जमा क्या किया है। पैन सबमिटेड है तो पैन यहाँ पे लिखना आ चाहिए, डीएल सबमिटेड है तो डीएल लिखना आ चाहिए। ओके तो यहाँ पे आप और इस्तेमाल तो नहीं होगा ना सर? नहीं। तो यहाँ नेस्टेड, अभी यहाँ पे देखिए कि हमारा यहाँ पे उल्टा होगा, ऊपर जो एंड का मेथड था उसमें हमने जो अप्लाई किए थे जस्ट उल्टा होगा, मतलब कि अगर ए इक्वल टू वाई है, इसको वाई मिल गया तो ये सीधे पैन को शो कर दे। ओके। मतलब यहाँ पे है कि हमारा दूसरा इफ कब चलेगा, जब पहला इफ फॉल्स होगा, समझे? अगर उसने पैन कार्ड जमा नहीं किया है तब वो दूसरा इफ चेक करेगा किसके लिए, डीएल के लिए, कि क्या ए इक्वल टू वाई है, अगर है तो डीएल शो कर दे, अगर फिर अगेन इफ अगर ए इक्वल टू वाई है, वोटर वाई है, तो वोटर आई कार्ड शो कर दे, देन अगेन इफ अगर ए इक्वल टू वाई है तो क्यू आई डी शो करे, इफ अगेन इफ अगर ए इक्वल टू वाई है तो पासपोर्ट शो करे। अब यहाँ पे पासपोर्ट शो अगर नहीं है तो लास्ट, क्योंकि यहाँ पे पेंडिंग होने के चांसेस एक बार ही है, तो यहाँ पे लास्ट में पेंडिंग लिखा हुआ आए, ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत है, ब्रैकेट अपने आप क्लोज हो जाए, ठीक है सर? समझिए इसको। सर पैन से वाई हटा के ना वी पे डालिएगा सर। पैन से हटा दिया हमने, डीएल पे डाल दिया, तो डीएल आएगा। ठीक है ठीक है, वाई भी दिवाई भी आएगा, पहले ही दिखाएगा इसमें, दोनों को दिखाएगा, क्योंकि दोनों में दिखाने के पीछे पर्पस क्या बता रहा हूँ सर? पर्पस ये है कि किसी भी सेल वैल्यू में एक ही सेल वैल्यू का रेफरेंस हो सकता है, मीन हो सकता है, मतलब कोई भी सेल किसी एक सेल की वैल्यू को किसी भी पीरियड में रिप्रेजेंट कर सकता है, दो पूरी रिप्रेजेंट कर सकता है, समझे? इसलिए ऐसे प्रॉब्लम। अब दो को रिप्रेजेंट कराना है तो उसके लिए अलग डिग्रम करना पड़ेगा, पहले आप एक को तो समझ ले, बाद में दो को समझेंगे, आगे की क्लास में जब हम एडवांस फॉर्मूला करेंगे। ओके ओके, ये फॉर्मूला समझ में आ गया या समझाना पड़ेगा मुझे? नहीं सर, आ गया, इसकी तो प्रैक्टिस करेंगे आज, तो बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक कंडीशन और होगा कि जैसे मान लीजिए कि कब बोला गया, जैसे बैंक में होता है ना कि आपको जो है पैन कार्ड देना कंपल्सरी, कि आपको पैन तो देना ही होगा, उसकी पैन इज नॉट एड्रेस प्रूफ और ये होते, ऐसे भी कंडीशंस हो सकते हैं। नहीं, जैसे बैंक बोलता है कि हमें दो डॉक्यूमेंट चाहिए, बैंक बोलता है मुझे दो डॉक्यूमेंट चाहिए, समझे? पैन तो लूंगा ही लूंगा, क्योंकि पैन है टैक्स और बाकी चीजों के लिए पैन का पछड़ी है सर, बिना पैन का अकाउंट नहीं खुलता सर। पहले कहा कि फॉर्म 60 भर जाते थे, लेकिन नए नियम जो लागू हुए हैं उसके तहत आपको पैन नंबर तो चाहिए चाहिए, ठीक है? बिना पैन के अकाउंट में ट्रांजेक्शन है भी ट्रांजेक्शन, पहले कहा था पैन नहीं थे, मतलब हर एक आदमी का पैन है सर, जिसका अकाउंट है उसका पैन है, ये सब सिस्टम। यहाँ डबल कंडीशन डालनी पड़ेगी सर, वही तो सोचना है आपको सर, सोचिए और बताइए। ओके सर, ठीक है, और रिकॉर्डिंग जो भेजा था उसको भी देख लीजिएगा, उसी को देखूंगा। नेस्टेड इफ का ये समझिए कि स्टेज वन है सर, नेस्टेड इफ का जस्ट स्टेज वन है,
और इससे ही आप सीखेंगे कि किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लगाया जाता है। इसमें बहुत सारे इसमें से फॉर्मूला है, इसमें बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, ब्रैकेट गलती कर देते हैं, दिख रहा है आपको, कॉमा गलती कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। सर फॉर्मूला के साथ ये शीट सेंड कर देंगे क्या? ठीक है मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। पाइथन में भी इसका यूज होता है सर? हर जगह पे यूज है, इसका बगैर कुछ हो ही नहीं सकता सर। लॉजिक तो हर जगह चलेगा दादा।